ठीक है, ये मुरा देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ। ये ग्राम है पकरिया सरलिया, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी, और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं सरदार रंजीत सिंह जी। और ये जो गन्ना देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में, ये 16-14-201 अर्ली गन्ना प्रजाति है। तो रंजीत सिंह से पूछूंगा कि इसमें देखिए कब ये बोया गया और क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन किया गया। तो रंजीत सिंह जी बताइए, ये कब बोया गया? ये अक्टूबर के लगभग लास्ट वीक में हुआ। अच्छा, अक्टूबर के लास्ट वीक में। तो इसमें कोई सह फसल वगैरह लिया? सह फसल इसमें लाही की फसल ली। लाही, तो कितना एरिया है इसका? ये पूरा भी वही है, 1 एकड़ का। 1 एकड़ तो लाही कितनी हो गई होगी? लाही इसमें हमारी मतलब हमने सारी एवरेज लगाई है, मतलब 12 एकड़ लाही थी हमारे पास, तो 4.5 क्विंटल की सारी एवरेज आई। कमजोर एकड़ के हिसाब से? हाँ जी, कमजोर और बढ़िया मिला के 12.5 एकड़ आपके पास गन्ना था जी, तो सब जो मिलाया आपने 4.5 क्विंटल के आसपास एकड़ के हिसाब से। इस गन्ने की क्या खास बात है आप जो कि विगत 2 वर्षों से इसको लगा रहे हैं, इसके बारे में कुछ इसकी विशेषताएं बताइए जो हमारे बाकी किसान भी जाने। इसमें तो हमने पौधरोपण किया था। अच्छा, पौधरोपण जी? ये पौधरोपित गन्ना है। पौधरोपित गन्ना है, और इसमें जैसे हमने एक पौधा 1 फीट की दूरी पे लगाया था। 1 फीट की दूरी जी। और अब इसमें देख लीजिए, इसमें कम लगभग 12 गल्ले एक पौधे, मैंने गिना इससे 13 है, 12 या 13 गल्ले होंगे, और किसी मतलब की 7-8 फीट 6 से कम नहीं, 6 से कम नहीं है, 6 से कम 12-13-15 तक है। तो ये देखिए बहुत एक तरीके से ये पौधरोपित किया गया, तो करीब 13 गन्ने हैं इसमें गिना। और इसकी एक खास बात हमने देखी, इसके गन्ने सब एक जैसे बनते हैं। इसमें देखिए आपको कोई आइडेंटिफाई करना होगा कि मदर सूट कौन, मुश्किल है, मुश्किल है मदर सूट को आइडेंटिफाई करना, मुश्किल है जी। और दूसरी बात ये है कि ज्यादा इसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है और वजन में बहुत बढ़िया गया। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि खास बात है कि जितने इसमें टिलर निकलते हैं मरते बहुत कम है, यानी मोर्टेलिटी बहुत कम। हाँ जी, मरते बहुत कम, ये तो सही बात है। अन्य प्रजातियों में 30-35 से अगर टिलर निकल आए तो पता लगा गन्ने, पता चला 15 बचे, सारे 15 बचे सब सूख गए, वो पता चला वो खाद हमने डाली, खाद का सेवन किया, यही इसी की वजह से इसमें सारे गन्ने हमें लगता है एक समान बन जाते हैं। जी जी, सबको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये पौध रोपित आपने किया, तो 1 फीट से दूरी थी पौध से पौध की, ये लाइन से कितनी है? 4 फीट की दूरी। अच्छा, 4 फीट की दूरी। तो यहाँ तो सरसों आपने लिया था, तो आपने बताया 4.5-4 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा, 14-201 आप पहले भी लेते रहे हैं जी जी, तो एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन लेते रहे, चलते जाइए। वैसे 14-201 जैसे धानवली बढ़िया इसमें जो है 5 से 6 क्विंटल तक, 6 क्विंटल तक जो बिल्कुल 14-201 जो है जी। हमसे लाइन से भी बोते रहे हैं। एकड़ के हिसाब से कितना उपज आपने लिया भी है और विगत वर्ष में भी लिया है आपने? हाँ जी, उसमें 5-5.5 क्विंटल निकली है हमारी विगत वर्षों में। अच्छा, और इसमें हमने जैसे कमजोर और जो बढ़िया 5.5 से 5.5 क्विंटल पर एकड़ में। पर एकड़ ये बरसात होने से थोड़ा, हाँ ये आज बरसात हुई है, थोड़ा ये गिर गया है, और कल से बंधाई का काम भी हो जाएगा, कल से बंधाई काम शुरू करेंगे। हाँ जी, तो बंधाई कैसे कराते हैं? बधाई तो पहले इसको ही थोड़ी पत्ती साफ करा के सिंगल बनवाएंगे, फिर इसको कैंची करवाएंगे। अच्छा, पत्ती कटवाएंगे या नहीं? पत्ती कटाएंगे इसकी। अच्छा, छिलने नहीं रहेंगे। कैसे कटाते हैं? मतलब उनके पास ऐसे मतलब हसिए बहुत बढ़िया है, तेजी तो से मारते हैं वो कटता। अच्छा, जाता है। तो जब आप ये मैंने देखा कि आप लोग बधाते हैं गन्ना, तो पत्ती कटवा के बनाते हैं जी पत्ती, और कुछ किसान कहते हैं पत्ती छुड़वा देते हैं। नहीं, पत्ती छुड़वाना बेहतर होता है या कटवाना? कटवाना ज्यादा बेहतर, छुड़वाने से कटवाना हमारा जो छुड़वाने वाली इसमें पोजीशन नहीं है, छुड़वा देंगे बाद में। अच्छा, जब नीचे की सूख जाएगी तो कटवाते कैसे? जहाँ से पत्ती ये, हाँ, इसका डंठल से निकलती है, ये बहुत बढ़िया से टूट जाती है, टूट भी जाती है और हसिया से कट भी जाती है बहुत बढ़िया। अच्छा, वहीं से? हाँ, वहीं से टूट जाती है। अच्छा, और कुछ होगी यहाँ पे सब कुछ सफाई किया हुआ, बहुत बढ़िया साफ हो जाता है। तो ये 14-201 देखिए अब आपको मैंने दिखाया, देखिए बहुत अच्छी फसल है 14-201 की, बहुत अच्छा गन्ना है, पानी भी भरा हुआ है। और देखिए आज काफी बारिश हुई है, नालियों में पानी, तो नालियों में देखिए ये पानी भरा हुआ है, पानी भी दिखा दो भाई, ये काफी मात्रा में देखिए भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। वैसे इस बार हमने कुछ फावड़े से मिट्टी चढ़वाई है। अच्छा, फावड़े से? फावड़े से ये तो हुआ। कितनी मिट्टी चढ़वा दी अब तक? तो इसमें नहीं, मिट्टी तो एक ही बार हमने चढ़वाई है, पहले से रेजर से चढ़वाई थी। अच्छा, वो रेजर वाली मिट्टी देख रहे थे कि वो थोड़ी दूर रह जा रही है। अच्छा, दूर रह जा रहे हैं। तो जो फावड़े, अच्छा, मुरे पे नहीं आ पाती, मुरे पे नहीं आ पा रही थी, ये थोड़ी हमने मुरे पे चढ़वाई है स्पेशली। इधर अंदर पैक, ये जो गन्ना अब आप देख रहे हैं ये
कोसा 13,235 है। तो रंजीत जी ये कब लगाया गया? ये जी सब में वही लास्ट वीक में अक्टूबर के। ये भी पौधरोपित है? ये भी पौधरोपित। देखिए ये भी पौधरोपित है और मैं आपको जो भी गन्ना दिखा रहा हूँ ये सारा पौधरोपित ही है। पौधरोपण के और बुआई में क्या क्या फायदे हैं? पौधरोपण से ये है कि बीज भी बहुत कम लगता है। जैसे में मोर्टेलिटी कितनी हो जाती है? अगर 100 पौधे आपने लगाए तो कितने उसमें बहुत कम खराब होते हैं? अच्छा, लगभग मान लीजिए 5-7% ही खराब होती है। अगर 100 लगाएंगे तो 4-5 जो कहीं डैमेज हो जाएंगे, डैमेज होती तो बाद में सिर्फ भी कर सकते हैं? हाँ, बाद में वहाँ पे जो जगह मोर्टेलिटी होती है क्या होती है, फीलिंग करवा फीलिंग क्या फीलिंग कराते हैं फीलिंग करवाते। तो देखिए ये कोसा 13,235 है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं दूरी पौधरोपण की 1 फीट ही रखी होगी इसमें? हाँ, इसकी और लाइन से लाइन की दूरी है ये 4 फीट 4 फीट है। हाँ, तो ये कोसा 13,235 हो गई। ये 13,235 अभी यहाँ देखिए चल रही है। ये 13,235 की उपज में 14,201 और 13,235 इसमें क्या उपज में समानता है या कुछ है डिफरेंट? समानता तो हमारी समझ से 14 की ज्यादा है। अच्छा, 35 और उपज किसकी ज्यादा होगी? उपज 14 की ही ज्यादा है। अच्छा, तो हाइट ये ज्यादा ले हाइट ये ज्यादा ले रहा है तो क्या वजन कम है क्या? देखते हैं इस साल क्या होता है। अच्छा, पूरा भी नॉलेज भी नहीं है ना, क्योंकि 14,200 में उतना हाइट नहीं लेता। जी, हाइट नहीं लेता, लेकिन लेता लेकिन वजन बहुत है। वजन अच्छा, जैसे आप 84-36 का वजन था उस हिसाब से उसका वजन। तो देखिए ये 13,235 बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है 7-8 गन्ने इसमें भी बने हुए। 8-10 गन्ने इसमें भी, मतलब 5-6 से कम ये भी नहीं है। लेकिन इसमें ये खास बात आप देख रहे होंगे, उसके जो टिलर थे वो मदर सूट के एक समान और इसमें काफी गैप है। देखिए कोई छोटा है तो काफी कोई हाइट ले गया, तो ये भी काफी अंतर है और उपज में इसीलिए अंतर आ रहा है। जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है 13,235 तो ये दिखती तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाती है तो मोर्टेलिटी हमें लगता है इनके टिलर में ज्यादा है। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी दिखता ही है यहाँ पे, तो ये 13,235 देखिए आपने देखी, ये इस तरीके से बिल्कुल यूं फैल जाती है, यूं जो है एक तरीके से टच हो जाती है, ये टच कर जाती है आपस में जी 45 डिग्री के करीब आप आकर के। और जबकि 14,201 में थोड़ा वो थोड़ी यूं रहती यूं रहती है। तो अगर पहचानना हो आपको 13,235 में तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। 13,235 का प्लाट अलग ही दिखता है, बिल्कुल अलग दिखता है। तो बुआई से लेकर इसमें क्या क्या उर्वरक अब तक आपने डाले होंगे, क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन किया? इसमें भी इंटरक्रॉप था? हाँ जी, इसमें भी सरसों था। जी सरसों था इसमें। पहले जब इसमें पौध लगाई थी तो इसमें 25% जैसे कि एक बोरी एकड़ की डाली जाती है, वो उसकी मात्रा जो थी 25% ही हमने डाली, उसकी मात्रा 25% क्योंकि अच्छा। पौध थी, पौध में यदि ज्यादा खाद डाल रहे थे तो पौधा सूखने का डर था। यानी जब आपने पौध रोपित किया 25 किलो क्या डाला? 25 किलो ही एनपीके और जो अदर चीजें जो हमने डाली। अच्छा, 25 किलो डाली, 25 किलो के हिसाब से डाली है। अच्छा, उसके तो बाद में जो पौधा हमारा जब तैयार हो गया चल गया जड़े उसके बाद में जो शेष बची हुई थी हमारी 75% वो फिर हमने डलवा दी। अच्छा, अब यूरिया और जिंक वगैरह अब पड़ी है। अच्छा, यूरिया कब डलवाई आपने? यूरिया भी 10-12 दिन हो गए। अगर अब हम मान लें तो बुआई से लेके अब तक इसमें क्या क्या उर्वरक कितनी मात्रा में पड़ गया होगा? उर्वरक तो अभी जी 85 किलो पड़ा है आपका यूरिया। हाँ, और आपका 33% हमने इसमें वो जिंक दिया हुआ। अच्छा, मोनोजिंक। मोनोजिंक। हाँ, और इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ कीट की रोकथाम के लिए कोई इंसेक्टिसाइड इसमें स्पेशल करने की जरूरत पड़ी विशेष? अच्छा, कोराजन वगैरह डालो, उसके अलावा कुछ डालने की जरूरत कुछ नहीं? और कोई रोग कीट तो आपको लगा नहीं? कोई रोग कीट नहीं, 14 में बिल्कुल रोग कीट। अच्छा, 14 में कोई ना? 14 में 13,235 में कोई ये दिक्कत 15,023 में आई? हाँ, 23 में है थोड़ी। देखिए कितना अच्छा गन्ना है, काफी अच्छा है, लाइन से बोया हुआ है। चलिए रंजीत जी, बहुत अच्छा दिखाया आपने। देखिए क्या बरसात हुई है, पानी भरा हुआ। बरसात हुई है, पानी भरा हुआ है। देखिए 14,201, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारा गन्ना पौधरोपित है। पौधरोपित
पौध रोपित है, अक्टूबर सोइंग है ये, और इसमें सह फसल ली गई है। और आप कह रहे थे अभी करीब 4.5 क्विंटल, 4.5 क्विंटल जो हमारा 12 एकड़ गन्ना था उसमें जो औसत हमने सरसों में निकाला, तो औसत 4.5 क्विंटल, तो किसी में ज्यादा आया होगा, किसी में ज्यादा भी आया। और ये पौधा जो आपने रोपित किया 1 फीट की दूरी पे और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट की है, तो ये देखिए बहुत जबरदस्त आपको गन्ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 15-15-16 इसमें देखिए आप जी। गन्ने आप देखिए बिल्कुल, आप मदर सूट इसमें बहुत मदर सूट देखिए आपको बिल्कुल एक बराबर, मेज में तो एक गैप नहीं है, बराबर देखिए आप इसके तिलक बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये तो काफी लंबा दिख रहा है, काफी लंबा ब्लॉक है, लंबा कितना एकड़ का होगा ये, यहाँ से वहाँ तक है 2.5 एकड़। अच्छा 2.5 एकड़ है, तो देखिए लंबा पूरा प्लाट है। और ये पौधा देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए क्या बम्पर क्रॉप है, बहुत बम्पर क्रॉप। हाँ देखिए पप्पा जी जरा ये मुरा दिखाना, बिल्कुल एक समान गन्ने बने हुए हैं, 14201 है, बहुत जबरदस्त गन्ना है। क्योंकि ये पौध रोपित है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, गैप नहीं होता है। जैसे आप जब हम बुआई करते हैं ना तो वहाँ पे पता लगा कि 1 मीटर पे एक रह गया। हाँ कहीं कुछ हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि अंतः फसल सरसों लेने के बावजूद कितना गन्ना है, सरसों लेना वो सरसों भारी गिफ्ट है। हाँ देखिए अब आपको दिख रहा मदर सूट बिल्कुल दर्शनीय स्थिति में है, देखिए बिल्कुल कोई टिलर ऐसा नहीं है कि अभी वो जो गन्ने इस समय है वो गन्ने सारे तैयार हो गए, सारे तैयार हो गए। तो देखिए जबरदस्त गन्ना है ये पूरा, आप देख रहे होंगे पूरा लंबा 2.5 एकड़ का ये प्लाट है, दूरी पर्याप्त 4 फीट की है, तो गन्ना अपने आप मोटा हो जाएगा। बहुत समय बढ़ने क्या लगता है, नजदीक बोने से उपज ज्यादा होती है या दूरी, दूरी से ही उपज बढ़ती है? बाकी किसान तो हमारे कहते हैं नहीं साहब दूर बो देंगे तो गन्ना कम हो जाएगा, अपनी अपनी समझ है। और सरसों तो आम के दाम, मछलियों के दाम, वो तो अलग चीज है। चलिए देखिए ये 14201 आपको दिखाया और 13235।